माफिया है बॉलीवुड का, जिन्होंने कोशिश की कि कश्मीर का सच कभी भी भारत के ऑडियंस के सामने ना आए। जो कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ 89 में, वो जगमोहन के जाने के बाद भी चला, तो ये कोई ना बोले कि जगमोहन ने भगाया, क्योंकि अगर पलायन सिर्फ उन्होंने करवाया तो बाकी लोग क्यों निकले। ये जितने भी आतंकवादी थे, यासीन मलिक था, बिट्टा कराटे था, जिन्होंने ओपनली कन्फेस किया कि उन्होंने, यासीन मलिक ने कन्फेस किया कि उन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे और उसको फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया। इस फिल्म के पीछे बहुत लोगों का बलिदान, ये एक फिल्म ने ये ढांचा नहीं तोड़ा। मैंने पिछले 20 साल से इसके बारे में बोला है, लिखा है, कहा है, दिखाया है, तो ये कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स इस सारी मेहनत का एक निचोड़ है। सिर्फ इसलिए सच छुपाएंगे, इसलिए ये अपने संविधान का मर्डर करेंगे, इसलिए ये अपने सिस्टम का मर्डर करेंगे, इसलिए अपने सारे इंस्टीट्यूशंस का मर्डर करेंगे, क्योंकि एक पार्टी या एक संस्था को इससे फायदा ना हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स सक्सेसफुल तो हो ही रही, लेकिन बहुत सारे विवाद उसमें आ रहे हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी से, मीडिया से, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज इस डिबेट में आ रही हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ऑथेंटिक वॉइस जो इन मुद्दों की गहराइयों को भी जानती हैं, समझती हैं, उनसे बात करें। तो कैपिटल टीवी में आज हम बात करेंगे आरती टिक्कू जी से। शी इज अ नोन जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और कश्मीर पे उनका बहुत ही अच्छा ग्रिप है। शी इज इंटरनेशनली फेम्ड जर्नलिस्ट ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट। तो एक तो फिल्म के ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे, राजनीति पे भी बात करेंगे, और मीडिया के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, ऑनर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इनविटेशन। अभी बताइए, इस फिल्म को लेकर के, आप फिल्म क्रिटिक भी हैं, फिल्म में ऐसी क्या गड़बड़ी है कि जो बॉलीवुड बिल्कुल शांत हो गया है, कोई ढंग का रिव्यू नहीं कर रहा, जो ऑल नोन पीपल, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को मीडिया में लोगों के बीच लेकर के जाते हैं, वो सारे मीडियम्स जो है बिल्कुल वो शांत क्यों हो गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बॉलीवुड से एक्चुअली दो नहीं, इनफैक्ट कई सारे रिव्यूज आए हैं, और उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर जो कला है मूवी बनाने की, उन सारे एस्पेक्ट्स पे मूवी को जज किया है, और कंटेंट के हिसाब से भी जज किया है। और कई जो बड़े बॉलीवुड के जो फिल्म क्रिटिक्स है, तरण आदर्श है, भावना सौम्या है, उन लोगों ने उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली रिव्यू किया है और अच्छा रिव्यू दिया है, बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। हाँ, एक जो सेक्शन बॉलीवुड का है, बॉलीवुड के भी सेक्शंस है, और मैं कहूंगी कि एक खास किस्म का जो एक सेक्शन है वो चुप करके बैठा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, एक शॉक लगा है कि 32 साल उन्होंने पूरी कोशिश की, उस सेक्शन ने, एक माफिया है बॉलीवुड का, जिन्होंने कोशिश की कि कश्मीर का सच कभी भी भारत के ऑडियंस के सामने ना आए। एक कंसर्टेड एफर्ट था, एक मैं कहूंगी एक पूरी कोशिश थी कि जो विक्टिम है वो विक्टिम ना दिखाया जाए। इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी कोशिश की, नैरेटिव के जरिए से इंटेलेक्चुअल क्लास ने कोशिश की पिछले 32 साल में, मीडिया ने कोशिश की 32 साल में ये नैरेटिव दिखाने की कि आरती टिक्कू की फैमिली का कम्युनिटी, हम सारे कभी अप्रेसर्स रहे हैं कश्मीर में, और इसलिए हमारे साथ जो नरसंहार हुआ वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, लेजिटिमेट था। एक बड़ी जो अपने आप को पत्रकार मानती है, इंडिया ने उसको बहुत बड़ा ओहदा भी दिया, आइकन बनाया,
भरखा दत्त ने तो यही इनफैक्ट कहा भी अपनी पत्रकारिता में कि हम लोग एलीट थे तो इसलिए हमारा जनसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। तो वो जो कोशिश थी नैरेटिव बनाने की पिछले 32 साल में, और उस एक नेक्सस था उसमें मीडिया का, सिनेमा का, इंटेलेक्चुअल क्लास का, ब्यूरोक्रेसी का, वो पहली बार टूट चुका है कश्मीर फाइल्स की वजह से। तो उनको तो शॉक लगेगा, क्योंकि ये शॉक सिर्फ इस बात का नहीं है कि नैरेटिव टूट गया, इस बात का भी शॉक है कि ये फिल्म बहुत अच्छा पैसा कमा रही है और कई सारे लोगों को, कई डायरेक्टर्स को, कई एक्टर्स को, कई कलाकारों को इससे एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी कोई सच जो कई सारे छुपाए गए हैं हमारे इतिहास के पिछले 75 सालों में, क्योंकि हम लोगों की जो इतिहास जिस तरह से हमारे को पढ़ाया गया, कई सारे सच छुपाए गए, तो कहीं ना कहीं इस मूवी से एनकरेज होंगे कई सारे डायरेक्टर्स, कई सारे कलाकार कि वो सच दिखाए। तो ये मुझे लगता है के लिए बहुत बहुत ही खतरनाक मोमेंट है उनके लिए, उनके सिस्टम के। एक बात बताई जा रही है कि फिल्म सच नहीं दिखा रहा है, ये प्रोपेगेंडा दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप इस फिल्म के ऊपर लग रहा है कि भाई ये जो है वो प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुत्व फोर्सेस को जो है वो खुश करने के लिए इस तरह से बनाया गया है, मुसलमानों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये एक कोशिश की जा रही है। देखिए, जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मूवीज जो बनी और जिनको वर्ल्ड वाइड जो रिकग्निशन भी मिली, अवार्ड्स भी मिले, एक्लेम भी मिला, वो ज्यूइश होलोकास्ट पे जो मूवीज बनी है, वो शिंडलर्स लिस्ट है, द पियानिस्ट है, उसमें कई सारी मूवीज जो है वो बनी। और आप सोचिए कि लगातार बनती आ रही है पिछले 75 सालों से, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लगातार लोग बना रहे हैं, और सिर्फ ज्यूज नहीं बना रहे हैं, क्रिश्चियंस बना रहे हैं, अमेरिका बना रहा है, यूके बना रहा है, यूरोप बना रहा है। तो ज्यूज के साथ जो जेनोसाइड हुआ 1945 तक, तो वो उस पे आज तक किसी भी कलाकार ने भारत के, मैं इनफैक्ट कई सारे देशों में मुस्लिम नेशंस में जिनोसाइड डिनायल की एक ट्रेडिशन रही है, कल्चर रहा है। इनफैक्ट टर्की में तो आर्मेनियन जिनोसाइड के का भी डिनायल रहा है, और अब ये है कि कई सारे देशों में, यूरोपियन देशों में, अगर आप जिनोसाइड को डिनाई करते, आप नहीं मानते हैं, तो उसकी सजा भी। और भारत के जो कलाकार है, बुद्धिजीवी है, और भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने आज तक ये कभी नहीं कहा कि हिटलर का वर्जन क्यों नहीं दिखाया उन मूवीज में। उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि नाज़ीज जो थे और फासिस्ट जो थे, मुसोलिनी था या हिटलर था, उनका तर्क क्यों नहीं दिखाया। उन्होंने ये कहा, उल्टा ये कहा कि जो जितनी भी ज्यूइश होलोकॉस्ट पे मूवीज बनी है और ऑस्कर्स में गई है, बड़े बड़े उनको अवार्ड्स मिले हैं, उनको उनकी प्रशंसा की। अच्छा, इतनी दूर क्यों जाते हैं, हम अपने ही इंडियन सिनेमा की बात करते हैं। पिछले 32 साल में उन्होंने कई सारी मूवीज बनाई जिसमें हिंदू जो था, हिंदूज को दिखाया जाता था परपेट्रेटर्स, मतलब कि उनपे इल्जाम होते थे कि उन्होंने उन्होंने इनजस्टिस की है या उन्होंने गलत किया है, डिस्क्रिमिनेशन की है, पर्सिक्यूशन किया है, और विक्टिम कौन होता था, विक्टिम मुसलमान होते। ऐसी कई सारी फिल्में बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी है, टीवी सीरियल्स बने हैं, गिनने पे आए तो मतलब बहुत सारे मिलेंगे आपको, दर्जनों मिलेंगे उनको अवार्ड्स। एक बात जो हिंदुस्तान में जो एकेडमिया और जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको कह सकते हैं कि इन लोगों ने तो आज तक कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड की बात ही नहीं की, दे ऑलवेज सेड पलायन हुआ। हिंदुस्तान यही जानता है भाई वहां से घाटी से कश्मीरी हिंदुओं का जो है वो पलायन हुआ, जनसंहार की बात तो है ही नहीं, जेनोसाइड इज नेवर यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट।
पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट था पिछले 32 साल में, हमेशा ये कंसर्टेड एफर्ट रहा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से. वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो पीडीपी था, और उनका जो सारा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है. ये मत सोचिए कि वो सिर्फ प्रोविंशियल लीडर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला या मुफ्ती सईद, उनको कोई नहीं जानता. मुफ्ती सईद तो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे कभी एक समय पे. फारूक अब्दुल्ला जी के रिश्ते तो शरद पवार से लेकर पूरे जितनी भी नेशनल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर हैं उन सबके साथ है और सबको पता है. उनका बहुत करीबी रिश्ते शबाना आजमी, जावेद अख्तर के साथ भी है. तो इन लोगों का, इस सारे पूरे नेटवर्क का, आप सोचिए कि फारूक अब्दुल्ला चूंकि वो राजनीति में है तो वो जो एक नैरेटिव बनाते हैं उनका पूरा नेटवर्क उस उनके नैरेटिव को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है. उन्होंने ऑटोनॉमी कहा, पूरा नेटवर्क जो है भारत का ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी कहता. चिदंबरम भी सरकार से निकले तो उन्होंने अभी ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी शुरू किया. जब वो पावर में थे तब तक इसकी बात नहीं होती थी. वैसे ही जेनोसाइड डिनायल की भी बात कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हुई. जम्मू कश्मीर की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये नरसंहार किया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, वो तो कहते हैं कि नहीं हुआ है ये तो सारा जगमोहन, गवर्नर जगमोहन ने कंस्पिरेसी किया, उन्होंने भगाया कश्मीरी हिंदुओं को और हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, वो तो खुद ही उन्होंने अपनी हत्याएं खुद की, उन्होंने खुद अपने आप को मारा, खुद निकाला, खुद अपने आप को बेघर किया, खुद अपने आप को रेफ्यूजी कैंप्स में रखा. ये तो सारी जो है, ये तो सारा जो मनगढ़ंत कहानियां हैं उनके हिसाब से. और यही नैरेटिव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चलाया, यही नैरेटिव फारूक अब्दुल्ला ने भी चलाया, यही नैरेटिव महबूबा मुफ्ती ने भी चलाया, मुफ्ती साहब ने भी चलाया, और यही नैरेटिव हिंदुस्तान की मीडिया ने भी चलाया. बिल्कुल. और यही नैरेटिव मीडिया ने चलाया, इंटेलेक्चुअल्स ने चलाया, सिनेमा ने चलाया, और ये जो एकेडेमिया है उसने चलाया. तो इसमें तो अचानक से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ गया कि ये सब कुछ जगमोहन की वजह से हुआ. बिल्कुल, वो तो आएगा ही, क्योंकि ये सारा नैरेटिव तो फारूक अब्दुल्ला ने शुरू किया कि गवर्नर जगमोहन जो है वो कल्प्रिट है, वो है वो. अब आपको समझना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी कि ये हुआ क्योंकि वो जगमोहन के पीछे पड़े. वो जगमोहन के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि जगमोहन एक वाहिद आदमी थे, वो पहले भी गवर्नर रह चुके थे जम्मू कश्मीर के, 89 से पहले भी रह चुके थे, और उनको जम्मू कश्मीर के इतिहास पे, उनको जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत अच्छी पकड़ थी. तो जब पाकिस्तान ने आर्म्स एंड एम्युनिशन भेजना शुरू किया कश्मीर में और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, कई सारे लोगों ने ये सब देखा, मेरे घर के लोगों ने ये सब देखा, मेरे अंकल इस बात के विटनेस है कि आर्म्स एंड एम्युनिशन के डंप्स तो पहले ही कई सालों पहले से ही आना शुरू हो गए. और इन बातों का की जो रिपोर्ट्स है, गवर्नर जगमोहन ने जब उनको जनवरी 19 को उनका अपॉइंटमेंट फिर से हुआ गवर्नर का, एज गवर्नर ऑफ जेएंडके इन जनवरी 1990 को, उससे पहले कई सारी चिट्ठियां उन्होंने राजीव गांधी जी को लिखी थी. ये वीपी सिंह गवर्नमेंट से बनने से पहले की बात है. तो कई सारे लोग कहते हैं वीपी सिंह गवर्नमेंट पर ही सारा इल्जाम है, लेकिन नहीं, क्योंकि वीपी सिंह गवर्नमेंट से पहले से एक मुहिम चल रही थी. इनफैक्ट 1987 से जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलायंस में आए और इलेक्शंस उन्होंने इकट्ठे लड़े कश्मीर में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ. मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट क्या था? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग थे, जमात इस्लामी के लोग थे, यही आतंकवादी ग्रुप्स बने थे. तो ये लोगों ने गवर्नर जगमोहन ने ये चिट्ठियां लगातार दिल्ली को भेजी. प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको ये चिट्ठियां लिखी, लेकिन वो सारी नजरअंदाज की गई, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई. उन्होंने
ऐसा मान लीजिए कि दिल्ली ने ये इनफैक्ट स्वीकार कर लिया था कि जम्मू कश्मीर को जाने दो, पाकिस्तान को जाने दो, कोई जरूरत नहीं है बचाने की, लोगों के साथ वहां क्या होता है, हिंदुओं के साथ वहां क्या होता है, किसी की सरदर्दी नहीं। तो उस वक्त एक आदमी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने इसके बारे में बात की। इसलिए फारूक अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी जो अपनी, देखिए उनकी अपनी बैकग्राउंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, शेख अब्दुल्ला ने अपने टाइम पे, उन्होंने नेहरू जी को धोखा दिया, बिट्रेयल जिसको कहते हैं, और उसके बाद में कश्मीर कंस्पिरेसी केस नेहरू जी ने लगाया शेख अब्दुल्ला पे और उनको जेल भेजा 1953। वो लोगों को ये पता नहीं है कि जेल क्यों भेजा। जेल इसलिए भेजा क्योंकि वो कंस्पायर कर रहे थे विदेशी ताकतों के साथ, अमेरिकन्स और ब्रिटेन के साथ। वो उनकी अपनी एक कंस्पिरेसी चल रही थी कि वो चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर हरी सिंह से लेकर, मतलब हरी सिंह प्रिंसली स्टेट के रूलर थे 1947 तक, तो उनके बाद वो चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के पूरे वो रूलर बने, ऑटोनमस रूलर बने, राजा बने। वो हुआ नहीं, तो उन्होंने उनके साथ सांठगांठ की, प्लेबिसिट फ्रंट बना और प्लेबिसिट मूवमेंट बनाया इन लोगों ने, शेख अब्दुल्ला और उनके लोगों ने वो चलाया भारत के खिलाफ। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने लगातार जो है JKLF को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ रहे, पाकिस्तान में जाके JKLF के साथ खड़े हो गए। तो ये किसी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों को सारा इतिहास पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है, पूरे भारत को लेकिन मालूम नहीं है। भारत को बताने वाले लोग दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली में लोगों ने नहीं बताया क्योंकि राजीव गांधी की सरकार वो नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो तो फारूक अब्दुल्ला के दोस्त थे, उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था। तो ये कारण की वजह से गवर्नर जगमोहन को डीमोनाइज किया गया है इतने सालों से, 32 सालों से उनको मॉन्स्टर बनाया गया है। उन्होंने जब गवर्नर आए और उसके बाद आर्मी को उन्होंने फ्री हैंड दिया, टेररिज्म और टेरर स्ट्रक्चर जो बने हुए थे JKLF का, हिजबुल मुजाहिद, उस पर क्रैकडाउन करने के लिए जब उन्होंने फ्री हैंड दिया, तो इन लोगों ने कहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इन्होंने कहा कि ये जो है, ये आदमी जो है, ये आतंकवादी है जगमोहन, तो इसलिए इनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र चला। और कुछ ही महीनों के बाद, 6 महीने के बाद जगमोहन जी को भी वहां से हटाया गया। और उसके बाद भी पलायन की जो प्रोसेस थी, जो कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ 89 में, वो जगमोहन के जाने के बाद भी चला। तो ये कोई ना बोले कि जगमोहन ने भगाया, क्योंकि अगर पलायन सिर्फ उन्होंने करवाया तो बाकी लोग क्यों निकले, बाकी लोगों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ये पलायन हो रहा था, जब हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा था, तो सवाना आजमी को बाइक में बिठाकर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर की वादियों में घुमाया करते थे। देखिये फारूक अब्दुल्ला जो है वो बहुत ही एक उनका तो मतलब है ही, उनकी पब्लिक लाइफ में, उनकी पब्लिक लाइफ छुपी नहीं है किसी से, उनके क्या मिजाज है वो किसी से छुपे नहीं है। शबाना आजमी के साथ घूम रहे थे, या कश्मीरियों को उनके हाल पे छोड़ के वो लंदन गए और लंदन में वो आराम से रहे। अब ये बताइए तो, कि ये जो मीडिया का जो नेक्सस है ये कश्मीरी अलगाववादियों के साथ, टेररिस्टों के साथ, आई वॉन्ट टू नो दिस, कि बहुत सारे लोग दिल्ली में, हमारे भी मित्र हैं, जो कहते हैं भाई कश्मीर जाते हैं बड़ा सेवा सत्कार होता है, सो व्हाट इज द नेक्सस, ये दिल्ली से जो लुटियन मीडिया के लोग जो वहां जाते हैं कश्मीर में, वो उनका आओ भगत करने वाले लोग कौन है, हु आर दोस पीपल, दोस मतलब हु एंटरटेन देम। हाँ, ये 1990 के बाद एक नया, एक जो कह सकते हैं उन्होंने, वो निजामे मुस्तफा चाहते थे, उसी तरह का एक निजाम वहां पे बना। उस निजाम में कौन लोग थे, उस निजाम में बेशक क्योंकि गवर्नर्स रूल लगा, प्रेसिडेंट्स रूल लगा 1990 में, तो उस वक्त के जो कंट्रोल, अगर आप कहें वाकई इंडिया के पास, इंडियन स्टेट के पास जो है कंट्रोल नहीं था। ओके, इंडियन स्टेट
ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि एक डिफीटिस्ट मोड में थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको लड़ना कैसे, ये जो जिस तरह का एक सहलाब आया था आतंकवाद का, इसको इससे लड़ना कैसे उनको समझ ही नहीं आया। तो इस दौरान में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी जो पाकिस्तान के अपने एडमिशन से, बेनजीर भुट्टो के अपने ही एडमिशन से, और यासिन मलिक के एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे ये बताया था कि बेनजीर ने कोई 110 आतंकवादी संस्थाएं बनाई उसी दौरान कश्मीर के लिए, और ये जो सारी संस्थाएं थी ये सारी जुड़ गई, और इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल था, एक एनवॉय थी अमेरिका की रॉबिन रफेल, और उन्होंने, रॉबिन रफेल ने इन सारे संगठनों को जुड़ाया और उसका नाम दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है ये इनका एक बहुत बहुत ही स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल वे में इन लोगों ने अपना एक नैरेटिव सेट किया। अब मैंने आपको कहा पहले ही कि JKLF और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई वो दो अलग, ये नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे हिजबुल मुजाहिदीन आम जो विंग है जमाते इस्लामी का, JKLF को मान के चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो सांड गांठ है, किसी दिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब एक कमीशन बिठाया जाएगा, तो इनके सारे लिंक्स निकल के आएंगे बाहर। तो ये जो सारे संगठन थे, इन लोगों ने पूरे दिल्ली के मीडिया में अपनी नेटवर्किंग शुरू की, और उसमें हाथ था अमेरिकन एम्बेसी का भी, उसमें हाथ था रॉबिन रफेल का भी। और ये अब आप सोचिए कि भारत ने, भारत के सिस्टम ने, भारत की जुडिशरी ने, भारत के पूरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, ये जितने भी आतंकवादी थे, यासीन मलिक था, बिट्टा कराटे था, जिन्होंने ओपनली कन्फेस किया कि उन्होंने, यासीन मलिक ने कन्फेस किया कि उन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे और उसको फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया। बिट्टा कराटे ने 40 कश्मीरी पंडित मारे और उसके बाद उनको गिनती भूल गई, उनको, उन्होंने एक इंटरव्यू में, BBC के इंटरव्यू में कहा कि उसके बाद उनको याद नहीं, गिनती इतनी हो गई कि उनको याद ही नहीं रहा कि कितने मारे। तो ये जो सारा था, इन लोगों को इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने इनका, इनकी प्रोफाइलिंग ऐसे की एज इफ ये फ्रीडम फाइटर्स थे, एज इफ ये लोग बहुत रेवोल्यूशनरीज थे, एज इफ ये क्लास स्ट्रगल कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, तभी तो बरखा दत्त जी ने ये कहा कि कश्मीरी पंडित एलीट थे इसलिए उनका नरसंहार हुआ। तो ये जो नैरेटिव था ये कौन बना रहा था? इसमें सिस्टम के लोग जुड़े हुए थे, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग जुड़े हुए थे, इसमें अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट के लोग जुड़े हुए थे, इसमें रॉबिन रफेल जैसे एनवॉयज जुड़े हुए थे। इन लोगों ने एक नेटवर्क खड़ा किया जो मीडिया के साथ जुड़ा हुआ था, जो JNU और इंटेलेक्चुअल्स के साथ जुड़ा हुआ था, जो एलीट क्लास के, जो कॉरपोरेशंस के बड़े बड़े लोग थे उनके साथ जुड़े हुए थे, जो इंडिया कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जहां बड़े बड़े लोग आते थे उनके साथ जुड़े हुए थे। और तभी आपने देखा कि यासीन मलिक एक कातिल, उसको गांधी का नाम दिया गया, शबीर शाह दूसरा कातिल, उसको नेल्सन मंडेला का नाम दिया। ये मीडिया के लोगों ने ये नाम दिए, और ये क्यूज कहाँ से आ रहे थे, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहे थे? हमारे अपने सिस्टम के अंदर से आ रहे थे, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आ रहे थे, कॉरपोरेशंस के अंदर से आ रहे थे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोग जो है, कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे इस कॉन्फ्लिक्ट को बनाने के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को लगातार चलाने के लिए, उन लोगों की तरफ से नैरेटिव आया। मतलब ये देखिए कि कितनी कितनी सारी मेहनत हुई है, कितना सारा चीज को जोड़ के इकट्ठा किया गया है, और एक फिल्म ने इस सारे ढांचे को नेस्तो नाबूद कर दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मुझे लग रहा है कि इसी वजह से इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही है। डॉक्टर कुमार, ये
पिक्चर की मैंने बहुत प्रशंसा की और ये पिक्चर को मैं वाकई कहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू विवेक अग्निहोत्री, टू अनुपम खेर, टू पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, भाषा सुमली और पूरी टीम जो कश्मीर फाइल्स की है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये फिल्म दिखाई। आज बच्चा बच्चा देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं ये आपके ऑडियंस के लिए कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म के पीछे बहुत लोगों का बलिदान है। ये एक फिल्म ने ये ढांचा नहीं तोड़ा है, इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत हुई है। मैंने जब मैं छोटी थी 1990 में, मैं सिर्फ 12 साल थी, लेकिन मैंने तब से लेकर अभी तक कई लोगों को आहुति देते हुए देखा है। मैंने KN पंडिता, MK टेंग, मैंने डॉक्टर अग्निशेखर, अजय सरंगू, सुशील पंडित, रमेश तामीरी, कितने सारे कश्मीरी पंडितों के लीडर, डॉक्टर वैष्णवी, अब मैं नाम अगर गिनाने पे आऊं तो रात हो जाएगी, लेकिन इतने सारे कश्मीरी पंडितों के जो लीडर थे और उन्होंने पिछले 32 साल में अपने सारा जीवन इसको समर्पण किया इस मुहिम के लिए कि कोई हमारी बात सुने, कि कोई हमारा सच जाने, तो ये उनकी जो उनका जो बलिदान है, उनकी जो मेहनत है। और जो मेरी जनरेशन, मैंने पिछले 20 साल से इसके बारे में बोला है, लिखा है, कहा है, दिखाया है, तो ये कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स इस सारी मेहनत का एक निचोड़ है। राइट। अब मुझे बताइए कि ये फिल्म तो आ गई, क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार को इस फिल्म के बाद और जिस तरह का एक डायलॉग, एक बहस समाज के अंदर छिड़ी है, उसके बाद कोई कमीशन बैठना चाहिए एंड ऑल दोज पीपल मस्ट बी बुक्ड, जो जिंदा है उनको पनिशमेंट भी मिले और जो मर चुके हैं उन लोगों को भी अकाउंटेबल इतिहास में वो दर्ज कराना चाहिए कि इन लोगों ने इस तरह से गलतियां की, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि 1971 में जो बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने किया, उस वक्त पूरा जो दुनिया थी बांग्लादेशियों के साथ खड़ी नहीं हुई, भारत खड़ा हुआ, इंदिरा जी खड़ी हुई और हम लोगों ने उनका साथ दिया। उसकी वजह से इनफैक्ट आज अगर जो हमारे यहाँ जो एक विवाद है, एक बहुत बड़ी समस्या है, इनफैक्ट 71 के बाद ही शुरू हुई थी, जो इतनी इलीगल इमिग्रेशन हुई बांग्लादेश से जो निकले लोग और यहाँ बस गए, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक समस्या बनी, क्योंकि भारत तो 1999 तक तो बहुत गरीब ही था, तो वो इमिग्रेशन भी एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन सवाल ये है कि 1971 में जो जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशी हिंदुओं और मुसलमानों का किया, वो केसेस 30 साल 40 साल के बाद बांग्लादेश में खुले, वो वहां पे शेख हसीना की सरकार ने वहां पे लोगों को, जमात इस्लामी के जो लोग उस जेनोसाइड में शामिल थे, जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने रेप किए, उनको सजा दी, फांसी की सजा लगाई। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में, ये तो 1971 नहीं है, ये तो हम 1990 की बात कर रहे हैं, ये तो 32 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 1984 में सिखों के खिलाफ दिल्ली में जो नरसंहार हुआ, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो किया और राजीव गांधी जी की सहमति कहीं ना कहीं जिसमें थी और उनकी सहमति से हुआ, उस पे अगर कोर्ट अब वो केसेस खोल रही है और वो केसेस पे जो है एक वर्डिक्ट आएगा, तो कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है उस पे क्यों नहीं बात होगी? क्या ये इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं और इस वजह से कहीं बीजेपी या आरएसएस जो हिंदुओं की बात करते हैं उनका फायदा न हो, सिर्फ इसलिए?
सिर्फ इसलिए को इसलिए सच छुपाएंगे, इसलिए ये अपने संविधान का मर्डर करेंगे, इसलिए ये अपने सिस्टम का मर्डर करेंगे, इसलिए अपने सारे इंस्टीट्यूशंस का मर्डर करेंगे, क्योंकि एक पार्टी या एक संस्था को इससे फायदा ना हो और इनकी जो अपनी पावर है वो खत्म ना हो, इसलिए ये सच को दबाएंगे और सच का बलात्कार करेंगे, सच का कत्ल करेंगे। मुझे लगता है समय आ गया है कि कमीशन बिठाया जाए, सच को सामने लाया जाए, जो सिस्टम के लोग थे जिन्होंने ये होने दिया उन पे भी केसेस फाइल हो, जिन्होंने ये सच छुपाया और इसमें पैसा बनाया, करियर्स बनाए, एम्पायर्स खड़ा की, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले फार्म हाउसेस बनाए, उन सबके बारे में भी बात हो, क्यों नहीं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा लग रहा है कि एक नई बहस शुरू हुई है इस फिल्म के जरिए ही सही, लेकिन आपने बिल्कुल ही सही कहा कि ये फिल्म कोई अचानक से बनी हुई फिल्म नहीं है, बल्कि सैकड़ों कश्मीरी एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी जीवन पूरे के पूरी इस कॉज के लिए लगा दी, उनका ये निचोड़ इस फिल्म के जरिए आया है, और अब मोदी सरकार के ऊपर देश की निगाह होगी कि क्या वो फिर से इस कश्मीर के फाइल्स को खोलेंगे, जो तमाम जो नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोग हैं क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये एक मांग जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को करना भी चाहिए और ये जद्दोजहद आगे बढ़ते रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपने कैपिटल टीवी से बातचीत की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।